साथी हमारा कौन है? अरे जोर से बोलो, सा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना रोज आकर ये बात बोलते हो। अब बाबा ने बोला, बाबा ने कहा अब इसको क्या बोलूं मैं, जब ये सड़क पर था तब बीए गाता था और आज जब इसे फलक पर बैठा दिया तब बीए गाता है, और इसमें कोई गलती भी नहीं है। आज हम इसलिए गा रहे हैं कि आपने जो हाथ पकड़ा है ना, आपने जो सीढ़ी चढ़ाकर ऊपर बैठाया है, भले ही इससे ऊपर मत उठाना लेकिन इससे नीचे भी नहीं करना। ठाकुर जी नहीं सह पाएंगे, क्योंकि आपको बताऊं इंसान है ना, फितरत है। अगर साल का 10 लाख का टर्नओवर था और बाबा ने 100 करोड़ का कर दिया, तो वो 10 लाख से 100 करोड़ हमारे दिमाग में नहीं आता कि कैसे हुआ, लेकिन जिस साल 100 करोड़ से 98 करोड़ हो जाता ना, वो 2 करोड़ के लिए कई रातें हराम हो जाती है, नींद हराम हो जाती है। फैक्ट है कि नहीं? तो बाबा से क्या कहा कि बाबा नीचे नहीं, जहां पर आपने पहुंचा दिया वो एनफ है, बस ये कृपा बरकरार रहेगी, सांस आखिरी तक चलेगा। तो बाबा ने पलट कर क्या जवाब दिया, सुन बेटा, दीदी दीदी देखो मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ी सी कड़वी बात बोल रहा हूं सबके लिए। अगर किसी रिश्तेदार को इसके सामने महत्व दोगे तो आपका रिश्तेदार नहीं बनेगा। किसी भी सत्संग में, चाहे वो श्रीमद् भागवत जी हो, रामायण जी हो, किसी भी सत्संग में संतों के सामने जाओ, वहां सत्संग हो रहा है, कहीं भी कीर्तन हो रहा हो, श्याम बाबा का हो रहा हो, माँ का हो रहा हो, बालाजी महाराज का, रिश्तेदार एक ही गाड़ी में आ रहे हो, बेटा और बाप, माँ बेटा गाड़ी से उतरने के बाद जब स्पॉट पे अंदर घुसना ना, तो घुसते समय बोल देना कि देख अब जब तक हम अंदर हैं तब तक हम अलग अलग होकर बैठेंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ बैठूंगा या बैठूंगी तो मेरा तेरे में दिमाग जाएगा और बाबा से दूर हो जाएगा। तू भी बाबा में, बाबा को रिश्तेदार बना, मैं भी बाबा को रिश्तेदार बनाता हूं। जिस दिन आपके ये भाव होंगे ना, कोई रिश्तेदार रिश्ता निभाए ना निभाए, खाटू वाला आखिरी समय तक रिश्ता निभाएगा। और आखिरी समय की भी परिभाषा बताता हूं, निगम बोध घाट पर लेटा दिए जाओगे और बेटा सिर फोड़कर सारे राम राम करके जाएंगे, बेटा भी चला जाएगा, लेकिन ये रिश्तेदारी वहां काम आएगी, वो जलती छिता अकेली नहीं पड़ी रहेगी, ये टेढ़ी टांग वाला मुरली वाला सिरहाने खड़ा रहेगा और कहेगा तेरा अपना बेटा जिसको तुम अपना अपना कहता था कहती थी वो भी छोड़कर चला गया, लेकिन तूने मुझसे रिश्तेदारी की इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तुझे लेकर अपने साथ जाऊंगा। ये वो रिश्ता निभाता है प्रेमी। बोलिए साचे दरबार की। अब बाबा ने क्या कहा सुनना, साथी बनूंगा मैं ही तुम्हारा, बनूंगा मैं ही तुम्हारा, लेकिन तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। गिव एंड टेक ये हर जगह चलता है, फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता, शाम के दरबार में भी फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मांगता क्या है ये, कहना पड़ेगा तुझे मैं हूं हारा, ए मैं हूं हारा। लेकिन आजकल इसका भी लोगों ने गलत फायदा उठाया। क्या होता है कि पहले जब भगत जी कीर्तन करते थे उस समय 100-150 होते थे, अशोक भाई 150 लोग होते थे यहाँ पर, तो मुश्किल मिलेगा कोई उस दरबार में, उस अखाड़े में, क्योंकि मुझे भी ये सौभाग्य नहीं मिला, मुझे भी ये सौभाग्य नहीं मिला। उस समय उस अखाड़े में 100-150 होते थे और वो जो होते थे उनको कीर्तन में बैठने के बाद अपना होश ही नहीं रहता था, तो जितने होते थे सबके काम बनते थे। आज हम लोग आते हैं कीर्तनों के अंदर में, बाबा के सामने बैठकर हम इनके नहीं होते, इधर उधर रहते हैं, हम लोग सोचते क्या पता है, अपने मन मर्जी की करते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, और क्या सोचते हैं कि ये तो हारे का सहारा है, माँ को वचन दिया है कि जो बोलेगा हारा हूं उसका हाथ पकड़ लूंगा, इसलिए जब हारेंगे तो जाकर कह देंगे
तू हारा, तू हारे का, मैं हारा, तू हारे का सहारा। बाबा ने कहा कहना ही नहीं पड़ेगा, मुझे महसूस होना चाहिए कि एक्चुअल में हारा है, मुझे महसूस होना चाहिए। ये नहीं, ये नहीं कि तू अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए कीर्तन तो करा लिया लेकिन कीर्तन की मर्यादा नहीं रखी, तो वो कीर्तन में तू मेरी मूर्ति जरूर लगाएगा लेकिन उस कीर्तन में मैं आऊंगा नहीं प्रेमी, है ना। मैं तो वहां आऊंगा जहां पर भले ही मुझे एक माला पहनाई गई हो लेकिन जहां पर प्रेमी भाव से, जहां पर प्रेमी 56 भोग नहीं लगा पा रहे हो लेकिन प्रेमियों की आंखों से बरस रहा होगा, वहां पर मैं हर प्रेमी के पीछे जाकर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर आऊंगा। इसीलिए कहा कहना पड़ेगा तुझे मैं हूं हारा, कहना पड़ेगा तुझे मैं हूं हारा, हारे कोई ये ना मुझको गवा, मुझको गवारा। कौन 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 बोलता है कि बाबा तू हमारा है, मिलकर कहना, कहना पड़ेगा तुझे मैं हमारा, कहना पड़ेगा तुझे मैं हमारा, साथी बनूंगा मैं ही तुम्हारा, भरोसा है कोई आए ना आए, खाटू वाला आएगा। ए, दो, ए, दो, ए, दो।
ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, बाहें पकड़ ले बाबा, तुम्हारे हालातों का मानना घटने दूंगा, तुम्हारे जज्बातों का मानना घटने दूंगा, तुम्हारे जज्बातों का, अरे बाल नबा का, अरे जब जब तेरी पुकार सुनूंगा आऊंगा तेरे पास, मैं आऊंगा तेरे पास। मिलेगा कोई ऐसा गारंटी देने वाला? बोलो, कोई गारंटी देता है ना आपसे रिटर्न की? उसको आशा होती है तब वो गारंटी देता है, इसको आप क्या रिटर्न दोगे, है ना? अरे जब जब तेरी पुकार सुनूंगा आऊंगा तेरे पास, मैं आऊंगा तेरे पास, बाल नबाक होगा तुम्हारा। कहना पड़े तुझे